दुनिया में आज देखिए, सीरिया में अमेरिकी हमले के बाद पश्चिमी ताकतों और रूस के बीच जुबानी जंग। असद को रासायनिक हथियार बनाने से रोकने की कोशिशों में रूस डाल रहा है अड़ंगा, ब्रिटेन ने लगाया आरोप। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं आदित्य मेहरा। सीरिया को लेकर रूस और दूसरी महाशक्तियों के बीच चल रहे तनाव के अलावा बुलेटिन में आज FBI के पूर्व निदेशक जेम्स कोमी ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए नाकाबिल बताया। ट्रंप ने कोमी को झूठा और धोखेबाज करार दिया। एक ऐसा महल जिसका एक हिस्सा भारत में है तो दूसरा म्यांमार में, नागालैंड के लोंगवा गांव से खास रिपोर्ट। और पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में पहुंचने वाले पहले सिख क्रिकेटर की कहानी। ये और इसके अलावा बहुत कुछ आगे है बीबीसी दुनिया में। आज सबसे पहले बात सीरिया की, जहां हुए अमरीकी हमले के बाद पश्चिमी ताकतों और रूस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। इंटरनेशनल केमिकल वेपन्स वॉचडॉग की बैठक में ब्रिटेन ने कहा कि सीरिया के रासायनिक हथियारों की जांच की हर कोशिश में रूस लगातार अड़ंगा डाल रहा है। ये बैठक नीदरलैंड्स के हेग में हो रही है। इस बैठक में इस बात का पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर वहां पर जो हमला हुआ था उसकी हकीकत क्या है। डूमा में हुए कथित रासायनिक हमले के बाद शनिवार को अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने एक साझा सैन्य कार्रवाई में सीरियाई सरकार के 3 ठिकानों पर बमबारी की थी। इधर सीरिया ने सरकारी चैनल ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद रूस के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इस तस्वीर के जरिए ये भी बताया गया कि हमलों के बावजूद वो काफी अच्छे मूड में दिखे और रूस के मिसाइलों की तारीफ की। रूस ने भी दावा किया कि 103 मिसाइलें जो अमरीका और सहयोगियों ने दागी उनमें से 71 को मार गिराया गया, पर अमरीका का कहना है ये सच नहीं है। अब इस हमले को लेकर तकरार जारी है, कोई आरोप लगा रहा है तो कोई सफाई दे रहा है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए अपने सहयोगियों का शुक्रिया अदा किया तो ब्रिटेन और फ्रांस के नेता हमले में अमरीका का साथ देने के लिए सफाई दे रहे थे। सुनिए इस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने क्या कहा। सीरिया और रूस के मुताबिक वहाँ इस हमले से कोई हताहत नहीं हुआ है, हम भी यही चाहते थे। हमने सिर्फ वहाँ हमला किया जहाँ रासायनिक हथियार थे जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर बने थे। रूस को भी इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मैं फिर वही बात दोहराऊंगा जो मैंने संयुक्त राष्ट्र में कही थी कि सीरिया के मसले का हल तभी निकलेगा जब रूस, ईरान और तुर्की के साथ हमारी बात होगी। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री को भी इस बारे में संसद में जवाब देना है, पर अब जब हमला हो गया है तो संसद में चर्चा से क्या हासिल होगा, इस बारे में बता रहे हैं बीबीसी के राजनीतिक मामलों के संवाददाता क्रिस मेसन। साल 2003 में इराक संकट के बाद से ही ब्रिटेन की संसद में इस मसले पर एक राय बनी थी कि अगर सेना का इस्तेमाल होगा तो पूरी संसद से मंजूरी लेनी होगी, लेकिन प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने इस पर अकेले ही फैसला ले लिया। अब वो ये भी कह सकती हैं कि ऐसा उन्होंने ब्रिटेन के हित में किया ताकि रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कहीं भी ना हो। इसके लिए वो रूसी जासूस पर हुए रासायनिक हमलों का जिक्र भी कर सकती हैं। हालांकि जब संसद में इस पर वोटिंग होगी तो कुछ भी साफ नहीं होगा कि हमला होना चाहिए या नहीं। सीरिया में हुए रासायनिक हमले के शिकार हुए लोगों से बीबीसी ने बात की। उनमें से ही एक लड़की है मासा जो हमले की शिकार हुई और उसकी तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा। अब वो सीरिया के कैंप में है। सुनिए उसने और उसकी माँ ने हमले की रात के बारे में क्या बताया। लोग मर रहे थे, तभी कुछ लोग आए, उन्होंने हमें जमीन पर रखकर हम पर पानी डाला, फिर हमें इलाज के लिए लेकर गए, मुझे इंजेक्शन दिए गए। मैं बेहोश हो रही थी, हम सो रहे थे जब प्लेन से हमला हुआ, हम धूल से भर गए थे, हमारी सांसों में हवा की जगह खून आ रहा था। मैंने देखा धुआं कोहरे की तरह छाया था, हम बेहोश होने लगे, कमजोरी लगने लगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, हम मौत से लड़ रहे थे, ऊपर छत पर जाने की कोशिश कर रहे थे। और अब खबर अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप नैतिक तौर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के काबिल ही नहीं है,
ये कहना है अमरीकी खुफिया एजेंसी FBI के पूर्व निदेशक जेम्स कोमी का। ABC न्यूज को दिए खास इंटरव्यू में कोमी ने कहा कि ट्रंप महिलाओं के साथ बेहद बद्धे तरीके से पेश आते हैं। जेम्स कोमी के आरोपों पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने गुस्से को दबाने की जरा भी कोशिश नहीं की है। दोनों इस तरह से हाथ मिलाते नजर आते थे, अब खुलेआम एक दूसरे को बेइज्जत करते नजर आ रहे हैं। कोमी के इंटरव्यू के ठीक पहले ट्रंप ने ट्विटर पर उन्हें झूठा, धोखेबाज और बातें लीक करने वाला शख्स बताया। ट्रंप ने FBI के निदेशक पद से कोमी की छुट्टी कर दी थी। ऐसे में कोमी के लिए ये इंटरव्यू था अपना बदला लेने का। ABC को दिए खास इंटरव्यू में कोमी ने उस शख्स की जमकर आलोचना की जो कभी उनका बॉस हुआ करता था। वो सेहत के लिहाज से नहीं बल्कि नैतिकता के लिहाज से राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं है। वो शख्स जिसका महिलाओं के प्रति इतना भद्दा बर्ताव हो, जो हर छोटे बड़े मुद्दे पर झूठ बोलता हो और चाहता हो कि उसकी बातों पर देश के लोग यकीन कर लें, ऐसा शख्स राष्ट्रपति पद पर बने रहने के काबिल ही नहीं है। दोनों की निजी लड़ाई अब जनता के सामने आ चुकी है और इस लड़ाई के राजनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं। और BBC दुनिया में आगे होगा ग्लोबल राउंड अप, जिसमें देखिए एक पादरी को लेकर अमेरिका और तुर्की के बीच तनाव और हांगकांग में हुआ एक स्पेशल डॉग शो। और अब आपको ले चलते हैं एक ऐसे महल की सैर पर जिसका आधा हिस्सा भारत में है तो आधा म्यांमार में। खूबसूरत नागालैंड के लोंगवा गांव में है यह महल। साल 1971 में जब भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा खींची गई थी तो महल का एक हिस्सा भारत में आया और एक म्यांमार में। BBC संवाददाता मयूरेश कोनूर की यह खास रिपोर्ट। नागालैंड के लोंगवा गांव का ये एक अनोखा महल है। ये दो देशों के बीच बंटा हुआ है। मैं यहां का राजा हूं। हमारे महल को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। इसका एक हिस्सा भारत में और एक म्यांमार में है। हम खाना भारत में खाते हैं और सोते म्यांमार में हैं। कभी नगा साम्राज्य के कोन्याक आदिवासियों के शासक रहे शाही परिवार के लोग आज भी इस महल में रहते हैं। इस साम्राज्य की स्थापना 15वीं और 16वीं शताब्दी में की गई थी, लेकिन ये महल कम से कम 100 साल पुराना है। लेकिन यहाँ पर सरहद बहुत बाद में यानी 1971 में बनी। तकन खुद बनावे तो सामान तो की लगा होली भी तकन आनी वो। दोनों देशों के बीच खींची लकीर ने इस इलाके को तो बांट दिया पर लोगों को अलग नहीं कर पाई। भारत और म्यांमार के लोग 16 किलोमीटर के दायरे के अंदर बिना वीजा के घूम फिर सकते हैं, यहाँ तक कि व्यापार भी कर सकते हैं। भारत और म्यांमार ने ये बॉर्डर बनाकर लोगों को अलग कर दिया, लेकिन हम लोग यहाँ अपनी पैतृक जमीन पर रहते हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोंगवा गांव के लोगों को दोनों ओर से फायदे मिल रहे हैं। इनके पास भारत का वोटर कार्ड है तो म्यांमार की सरकार इनके लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इस इलाके में दोनों देशों की सेना हर वक्त तैनात रहती है, जिसकी वजह से कई गांव वालों को इलाके में तनाव बढ़ने का डर भी सताता रहता है। मैंने युद्ध की कई फिल्में देखी हैं। मैंने देखा है कि सरहद पर रहने वाले लोग कितनी मुश्किलों से गुजरते हैं। आने वाले दिनों के बारे में सोचकर मैं डर जाती हूँ। लेकिन उम्मीद है कि इस गांव में शांति बनी रहेगी और तब जाकर मनेगा जश्न, अलग अलग होकर भी एक रहने का। तो दो देशों के बीच बटी दो लोगों की कुछ लोगों की जिंदगी। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे मुश्किलों को पीछे छोड़ पाकिस्तान के पहले से क्रिकेटर बने महेंद्र पाल सिंह। और चार्ली चैपलिन की जयंती पर उनका एक खास इंटरव्यू। तो होगा ये सब आगे BBC दुनिया में। होती है मुलाकात एक ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं अदित मेहरा। अब बात पाकिस्तान के पहले सिख क्रिकेटर की। 22 साल के महेंद्र पाल सिंह पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में पहुंचने वाले पहले सिख क्रिकेटर बन गए हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के एक युवा का राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेटर बनना कितना अहम है, जानते हैं फरहत जावेद की इस रिपोर्ट में। मैं पाकिस्तान के सिख कम्युनिटी में से पहला सिख क्रिकेटर हूं जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी तक मेरी पहुंच हुई है और वहां पे मेरी सिलेक्शन हुई। जब भी मैं जाता हूँ सिर्फ ये मेरे लिए फेवर है, वो भी सिख होने की वजह से, कि कोई भी क्लब का प्लेयर आज कल NCAA में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, लेकिन मैं वाहिद क्लब का प्लेयर हूँ या ग्रेड टू का प्लेयर हूँ कि मैं जब भी चाहूँ NCAA में जाता हूँ, वहाँ कोचेस से मैं ट्रेनिंग हासिल करता हूँ। पाँचों के लिए बराबर हैं, जो कुछ ऐसे हजरात होते हैं जो शर फैलाते हैं लेकिन हम उसको खुद इग्नोर करते हैं। अगर कोई जॉब भी करता है तो कोई वहाँ पे भी कोई उनको मतलब ये कि लाइक डिसलाइक करता है, कोई उसके साथ खाना नहीं खाता, कोई उसके साथ पानी नहीं पीता, तो ये थोड़े से मसले मसाइल हैं कोई, लेकिन ये सबके साथ नहीं है, मतलब सारे लोग नहीं करते। मैं समझता हूँ कि अगर मैं माइनॉरिटी में हूँ कि माइनॉरिटी की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम या सिख होने की वजह से मुझे कोई रोकेगा, तो मैं समझता हूँ कि मुझे कोई भी नहीं रोकेगा। तो क्रिकेट के प्रति जुनून ने इस सिख युवा को तमाम मुश्किलों से लड़ने में मदद दी। और अब आज का कार्टून। देश के कुछ हिस्सों में हुई रेप की घटनाओं के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लग रहे हैं कि वो रेप के नाम पर राजनीति कर रही हैं। इसी पर कीर्तिश की कलम से निकला आज का कार्टून। और मशहूर फिल्मकार कॉमेडियन चार्ली चैपलिन की आज 129वीं जयंती है। इस मौके पर हम बीबीसी के खजाने से लेकर आए हैं चार्ली चैपलिन के खास इंटरव्यू के कुछ चुनिंदा अंश। Your films always seem to have a recurring theme of loneliness. Could you say why that is? Well, in the King of New York, yes, I suppose it is lonely. After all, he's deserted by his country and so forth. No, I don't know, unless it's that one is purely very much of an individualist. Would you say you're a lonely man yourself? No, I've got 8 children, a very beautiful wife and 8 wonderful children. So. And if you come to our house, you will think I'm very much alone. Most of your films seem to have a message. Has a King of New York got one? Well, I wouldn't be so presumptuous as to say a message. But whatever, I don't quite believe in messages. I believe that whatever is effective, dramatic, and arresting as far as the public, the main object is to entertain. Not to give any messages. I think the churches can do that very well. तो दुनिया को हंसाने वाला वो शख्स जिसे इतने सालों बाद भी लोग नहीं भूल पाए हैं। और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के बाहरी इलाके में जंगलों में भड़की आग और हांगकांग में हुए स्पेशल डॉग शो की एक झलक। तो होती है मुलाकात ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं आदित्य मेहरा और आप देखिए बीबीसी ग्लोबल राउंडअप। और पहली खबर तुर्की से। तुर्की में एक अमरीकी पादरी एंड्रू ब्रांसन के खिलाफ एक चरमपंथी संगठन की मदद करने के आरोप में मुकदमा शुरू हुआ है, जिसे लेकर तुर्की और अमरीका के बीच कूटनीतिक तनाव की स्थिति बन गई है। पादरी कुर्द विद्रोही गुट की मदद से इनकार करते हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के वकीलों ने एक जज से आग्रह किया है कि वो उन्हें ट्रंप के निजी वकील माइकल कोहेन के जब्त सबूतों की जांच करने की अनुमति दें। ये सबूत अमरीकी खुफिया एजेंसी FBI ने जब्त किए थे, जिस पर ट्रंप के वकील आपत्ति कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि सेनेगल, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, मेडागास्कर, कोमोरोस और गाम्बिया जैसे देशों में अगले कुछ सालों में मलेरिया को खत्म कर दिया जा सकेगा। मलेरिया से हर साल दुनिया में 4 लाख लोगों की मौत हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के बाहरी इलाके में शनिवार से जंगलों में आग भड़क उठी है। अधिकारियों को संदेह है कि ये आग जानबूझकर लगाई गई है। वैसे हाल में दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में मौसम गर्म रहा है और हवा भी तेज चली है। इस आग के बारे में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने भी बयान दिया। It is unseasonally hot. अभी यहाँ बेमौसम बहुत गर्मी पड़ रही है और ये चिंता की बात है, मगर हमें प्रकृति की हर चुनौती का सामना करना ही पड़ेगा और मुश्किल जितनी बड़ी होगी हमारा उससे जूझने का जज्बा भी उतना ही बड़ा होगा। और इसके अलावा खबरों में है, अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश की पत्नी बारबरा बुश बीमार चल रही। 92 वर्षीय बारबरा बुश ने कहा है कि वो अब और मेडिकल इलाज नहीं करवाएंगी और अपने परिवार के साथ रहेंगी। उनके पति 93 वर्षीय बुश अमरीका के अब तक के सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति हैं। चीन की सोशल मीडिया कंपनी सीना वेबो ने कहा है कि वो हिंसा और पॉर्न सामग्रियों को हटाने के अभियान में समलैंगिक सामग्रियों को शामिल नहीं करेगी। ट्विटर के जैसे दिखने वाले सीना वेबो ने यह फैसला इस वीकेंड पर बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद किया। और आखिर में हांगकांग में कल हुए एक स्पेशल डॉग शो की झलक। लावारिस और बेसहारा कुत्तों की मदद के लिए पैसे जुटाने के मकसद से कराए गए शो के आयोजकों का कहना है कि हांगकांग में हर साल हजारों लावारिस कुत्ते और बिल्लियों को पकड़ा जाता है। इनमें से कुछ को किसी जगह शरण मिल जाती है, मगर ज्यादातर को मार दिया जाता है। और अब सोशल मीडिया पर BBC संवाददाताओं के कुछ ट्वीट्स पर नजर डालते हैं। BBC संवाददाता बाबरा प्लेट आशा ने ट्वीट किया है कि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि निकी हेली ने फॉक्स न्यूज से कहा है कि उन्होंने जिन भी सीरियाई शरणार्थियों से बात की उनमें से कोई भी अमेरिका नहीं जाना चाहता। तो कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मिलेंगे आपसे कल शाम 6 बजे। हमें दीजिए इजाजत।